हेलो दोस्तों, मौसम समाचार में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पे पूरे भारत देश के मौसम के ऊपर एक नज़र डालें तो यहाँ पे बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, इस क्षेत्र में दोस्तों बाढ़ ने भारी आफत यहाँ पे मचाई रखी है। इस क्षेत्र में बाढ़ का पूरा हाहाकार चल रहा है। इस क्षेत्र के दोस्तों लाखों लोग यहाँ पे बेघर हुए हैं, तो कई लोगों की मौत भी इस क्षेत्र में हुई है। इस वीडियो में हम पूरे भारत देश का मौसम समाचार देखेंगे, तो वीडियो को आखिर तक आप जरूर देखिए। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप किस क्षेत्र और राज्य से आते हैं, ताकि उस क्षेत्र से मानसून की खास अपडेट भी हम वीडियो में शामिल कर सकें। और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि ऐसी वीडियो आप आगे भी देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे शुरुआत में देखते हैं आसाम राज्य से। तो यहाँ पे बता दें दोस्तों, आसाम में बाढ़ से हालत गंभीर बने हुए हैं और आने वाले दिनों में हालत और भी बिगड़ सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। यहाँ बाढ़ से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या 43 लाख तक पहुँच गई है। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने में NDRF की टीम जुटी हुई है। ऊपरी असम का सड़क संपर्क लगभग खत्म ही हो गया है। कांजीरंगा नेशनल पार्क के बड़े हिस्सों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। जानवर अपनी जान बचाने के लिए पार्क के बाहर की तरफ भाग रहे हैं। अभी तक आसाम के 33 में से 30 जिलों के कुल 43 लाख आबादी यहां पर प्रभावित हुई है। बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला बारापेटा है। बारापेटा में बाढ़ की वजह से 7.5 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। ब्रह्मपुत्र नदी के जलस्तर के बढ़ने से राज्य की राजधानी गुवाहाटी के डूबने की आशंका यहां पर बढ़ गई है। बता दें कि मौजूदा समय में राज्य के 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाले गए 83,000 लोगों को अलग अलग जगह पर बनाए गए कुल 183 राहत शिविरों में रखा गया है। बाढ़ की वजह से आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क को भी भारी नुकसान यहाँ पे हुआ है। नेशनल पार्क में बाढ़ का पानी घुसने से अभी तक 17 जानवरों की मौत भी यहाँ पे हो चुकी है। बाढ़ की वजह से किसानों को भी सबसे ज़्यादा लॉस यहाँ पे हुआ है। अभी तक बाढ़ की वजह से कुल 90,000 हेक्टेयर ज़मीन बाढ़ में डूब गई है। राज्य सरकार के अनुसार अभी तक NDRF की कुल 15 टीमों को बचाव कार्य में लगाया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में बाढ़ के हालात और बिगड़ सकते हैं। खासतौर पर बाढ़ प्रभावित इलाकों में बारिश की बढ़ने के अनुमान भी यहाँ पर जताए जा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम में बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए हैं। जनजीवन बुरी तरीके से यहाँ पे प्रभावित हुआ है। राज्य में ब्रह्मपुत्र का जल स्तर खतरे के निशानों से पार चला गया है। उधर बिहार में सैलाब की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या अब 24 हो गई है। पड़ोसी देश नेपाल में मूसलाधार बारिश के बाद राज्य के 12 जिलों में आई बाढ़ की वजह से 25 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे प्रभावित हुए हैं। वहीं पूर्वी चंपारण जिले में दो अलग अलग घटनाओं में 5 बच्चों के डूब जाने की खबर भी यहाँ पे सामने आई है। यहाँ पे बात करें दोस्तों मिजोरम की, तो मिजोरम में दोस्तों नदी में बाढ़ आने के कारण 30 से ज़्यादा गांव यहाँ पे प्रभावित हुए हैं। और वहीं इस क्षेत्र के दोस्तों 1,000 लोगों को यहाँ पे सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। वही वर्षा संबंधित घटनाओं में 5 लोगों की मौत भी इस क्षेत्र में हुई है। मेघालय में पिछले 7 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण यहाँ पे 2 नदियों में बाढ़ आ गई है, जिनका पानी पश्चिमी गारो हिल्स जिले के मैदानी इलाकों में घुस गया है, जिसमें कम से कम 1.25 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे प्रभावित हुए हैं। बहरहाल त्रिपुरा में सैलाब के हालात में सुधार के संकेत यहाँ पे मिले हैं, क्योंकि 2 नदियों में पानी घटता यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अधिकारियों ने बताया कि NDRF और सुरक्षा बलों के कर्मचारी ने बाढ़ से प्रभावित खोवई और पश्चिम त्रिपुरा जिलों से कई लोगों को यहाँ पे बचाया है। वही बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के कई हिल्स में रविवार और सोमवार में हल्की से मध्यम स्तरों की बारिश यहाँ पे हुई है। मौसम विभाग ने यहाँ पे बताया है कि इस क्षेत्र में भी अच्छी खासी बारिश यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे खास करके बात करते हैं दोस्तों पंजाब की, तो पंजाब से नागालैंड तक हरियाणा होते हुए ट्रफ रेखा बना था। इसी से हिमालय की फुट हिल्स निचली पहाड़ियाँ में फंसा मानसून हरियाणा के उत्तरी हिस्सों में सक्रिय हुआ है। अम्बाला में 1 जून से 15 जुलाई तक 246 मिलीमीटर बारिश यहाँ पे दर्ज की गई है।
यहाँ पे बात करें पंजाब और हरियाणा की, तो पंजाब और हरियाणा तथा इन संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में बारिश हुई है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है। पिछले 24 घंटों में इस क्षेत्र में 10 मिलीमीटर बारिश हुई है। अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी इस क्षेत्र में दी गई है। यहाँ पे दोस्तों बात करें राजधानी दिल्ली की, तो राष्ट्रीय राजधानी में मानसून का लंबा इंतज़ार सोमवार को ख़त्म हो गया है। दिल्ली में 28.8 मिलीमीटर बारिश यहाँ पे हुई है। आगामी 2-3 दिनों में और वर्षा यहाँ पे होने के अनुमान है। दिल्ली के साथ NCR बाकी इलाकों के लिए यह सप्ताह का पहला दिन खुशनुमा मौसम लेकर आया है। बारिश के लिए तरस रहे लोगों पर यहाँ पर बादल जमकर बरसे हैं। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना यहाँ पे बनी रहेगी। इससे इस हफ्ते तापमान में भी अपेक्षाकृत 33 से 35 डिग्री तक रहेगा। हालांकि बुधवार से शुक्रवार तक बारिश कम रहेगी, इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। बारिश के बाद प्रदूषण में भी काफ़ी कमी यहाँ पर देखने को मिली है। स्काईमेट वेदर के अनुसार हिमालय के तराई क्षेत्रों पर टिकी मानसून ट्रफ रेखा दिल्ली के करीब आने के चलते बुधवार से बारिश यहाँ पे तेज होगी। हालांकि इससे कम बारिश की भरपाई होने की उम्मीद यहाँ पे नहीं है। बता दें कि यूं कहने को तो मानसून राजधानी में 10 दिन पहले ही दस्तक दे दी थी, लेकिन उसकी उपस्थिति का एहसास नहीं हो रहा था। सोमवार को पहली बार इस मानसून की जोरदार बारिश हुई। सोमवार को सुबह से ही मौसम करवट ले रहा था, हवा भी चल रही थी और बादलों एवं सूरज के बीच आँख मिचोली भी। दोपहर बाद 3 बजे के आसपास एकाएक काली घटा छा गई। इतना अंधेरा छा गया कि वाहन चालकों को दिन में भी लाइट जलानी पड़ गई। यहाँ पे दोस्तों स्काईमेट वेदर रिपोर्ट के ऊपर एक नज़र डालें तो इनके मौसमी सिस्टम और बाकी खबर कुछ इस प्रकार है। देश भर में जो मानसून के सिस्टम बने हैं वह कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे दोस्तों मध्य पाकिस्तान और इससे सटे पंजाब के इलाकों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इस सिस्टम से बनी हुई एक ट्रफ रेखा दक्षिणी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और उप हिमालयन पश्चिम बंगाल होते हुए नागालैंड तक फैली हुई है। इस ट्रफ रेखा का एक हिस्सा दक्षिण की ओर बढ़कर झारखंड और ओडिशा होते हुए आंध्र प्रदेश तक भी फैल गई है। वही तटीय कर्नाटक से केरल तक एक ट्रफ रेखा फैली हुई है। इसके अलावा अरब सागर से कर्नाटक के तटीय भागों तक एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान यहाँ पे जो मानसून की गतिविधियाँ है उस पर यहाँ पे नज़र डालें। बीते 24 घंटों के दौरान जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उप हिमालयन पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, दक्षिणी कोकण गोवा, उत्तरी तटीय कर्नाटक, उत्तरी केरल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के इलाकों में हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं भारी बारिश देखने को मिली है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के इलाकों में कुछ स्थानों में छिटपुट बारिश हुई है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तरी कोकण गोवा, गुजरात और तेलंगाना के इलाकों में हल्की तथा 1-2 स्थानों में मध्यम बारिश दर्ज की गई है। वहीं छत्तीसगढ़ के 1-2 स्थानों में भारी बारिश देखने को मिली है। यहाँ पे बात करें अगले 24 घंटों की तो अगले 24 घंटों का मौसम पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार है। स्काईमेट के मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, कोकण और गोवा, केरल, रायलसीमा के कुछ हिस्सों, अंतरी तमिलनाडु और दक्षिणी अंतरी कर्नाटक में मध्यम बारिश तथा 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार है। वहीं आंध्र प्रदेश, दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उप हिमालयन पश्चिम बंगाल, सिक्किम में मध्यम बारिश होने के आसार यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। वहीं दिल्ली में भी हल्की बारिश होने की उम्मीद है तथा उत्तर प्रदेश और उत्तरी पूर्वी बिहार में 1-2 स्थानों में मध्यम बारिश होने के आसार है। झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और अंतरी कर्नाटक में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों दक्षिणी गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा और पूर्वी मध्य प्रदेश के 1-2 स्थानों में बारिश की गतिविधियां दिख सकती है, जबकि राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र का मौसम यहाँ पे शुष्क बना रहेगा। और एक दोस्तों यहाँ पे मुंबई से जुड़ी एक खास खबर आपको बता दें तो यहाँ पे दोस्तों दक्षिण मुंबई के डोंगरी इलाकों के करीब
100 साल पुरानी 4 मंजिला इमारत ढह गई है। यह घटना दोस्तों कल 11:40 पर हुई। इसके कारण इस घटना में 12 से ज्यादा लोगों की अब तक यहाँ पे मौत यहाँ पे सामने आई है और 40 से ज्यादा लोग इस मलबे में फंसे होने की खबर भी हमें मिली है। तो बस आज के मौसम समाचार में इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। साथ ही साथ दोस्तों आप अपने क्षेत्र का नाम भी कमेंट बॉक्स में लिख दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। थैंक यू।